राजधानी के रेड क्रॉस बिल्डिंग में तृतीय लिंग समुदाय के लिए एक विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल 17 जनवरी को तृतीय लिंग समुदाय के लोगों के लिए बनाई गई योजनाओं और उनसे जुड़ी सुविधाओं का लाभ दिलाने के लिए रेड क्रॉस बिल्डिंग में कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें व्यापार, खाद्य विभाग, श्रम और तहसीलदार जैसे अधिकारी उस कैंप में मौजूद रहेंगे। इस कैंप के माध्यम से तृतीय लिंग समुदाय के लोगों को स्थल पर ही प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, ताकि वो सरकार की योजनाओं का सही तरीके से लाभ उठा सकें। ये बहुत खुशी की बात है कि जो रायपुर ज़िला है और रायपुर ज़िला के जो प्रमुख प्रमुख विभाग हैं, महिला बाल विकास हो गया, वित्त विभाग हो गया और राशन फूड विभाग हो गया और समाज कल्याण विभाग हो गया, हेल्थ हो गया, ये सभी विभाग मिलके एक कैंप आयोजित कर रहे हैं। और इस आयोजन में जितने थर्ड जेंडर के लोग हैं उनका आय, जाति, निवास और रोजगार पंजीयन और हाउसिंग के लिए ये सारा चीज़ वो अप्लाई करेंगे वहाँ पे। तो हम उसको इस हिसाब से देख रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए एक स्पेस क्रिएट कर रहा है और ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब तक के हमारे समाज में ज़्यादातर लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो सरकारी जो प्रोसेस रहता है उसमें कहीं ना कहीं आके फंस जाते हैं। तो ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी भी हो रही है। हेलो, नमस्कार, आदाब, संगी हो, संगवारी हो, मैं हूँ करण खान और आप मन देखा तो छत्तीसगढ़ के नंबर वन वेब न्यूज चैनल glips.in। तो दोस्तों, ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए glips.in से। For more information, log on to www.glips.in।